नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिका को नया राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूप में मिल चुका है और उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस को चुना गया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की ही रहने वाली हैं, यही वजह है कि ना सिर्फ अमेरिका के लोगों में उनको लेकर उत्साह है बल्कि भारत में भी उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद चारों तरफ उनकी सराहना की जा रही है। वैसे आपको बता दें 2020 में आकर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है, लेकिन अब से 11 साल पहले ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने उनके राष्ट्रपति बनने की घोषणा कर दी थी और उनकी वो जो घोषणा थी वो आने वाले वक्त में यू नेवर नो सही भी साबित हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ना सही लेकिन उपराष्ट्रपति पद तक तो कमला हैरिस पहुंची गई है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री है जिन्होंने 11 साल पहले ये टिप्पणी की थी, तो ये कोई और नहीं बल्कि ये थी मल्लिका शेरावत। जी हाँ, मल्लिका शेरावत ने कहा था कि आने वाले वक्त में वो कमला हैरिस को इस तरह से देखती हैं, वो इतनी सशक्त हैं कि वो आने वाले वक्त में राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। देखिए क्या लिखा था मल्लिका शेरावत ने, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, एक पार्टी में काफी मस्ती कर रही हूं जहां मेरे साथ एक ऐसी महिला बैठी है जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है। अब 11 साल पुराने इस ट्वीट को फिर से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मल्लिका शेरावत तो इन दिनों फिलहाल फिल्मों से, वेब सीरीज से दूर हैं, लेकिन उनका अब ये ट्वीट उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ले आया है और बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 11 साल पहले की गई टिप्पणी 80% तक तो सही अब हो ही गई है, आने वाले वक्त में अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति भी बनती हैं तो फिर इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि कमला हैरिस आज से नहीं बल्कि सालों से अमेरिकी राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं। उनको वहां की जो गठजोड़ है, वहां पर जो बेसिक पॉलिटिक्स होती है, जिस चीज की कमी है, जिस चीज ज्यादा है, सारी चीजें उन्हें बहुत डिटेल में पता है। यही वजह है कि कमला हैरिस की जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया के साथ साथ अमेरिका में और दुनिया भर में है। तो मल्लिका शेरावत की 11 साल पुरानी इस टिप्पणी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा।